हेलो दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। और आज हम आ गए हैं श्री सोमेश्वर मंदिर पाषाण पुणे में। भले ही पुणे में चारों ओर बहुत ही खूबसूरत मंदिर है, लेकिन पाषाण में सोमेश्वरवाड़ी मंदिर सबसे अलग है। मंदिर का निर्माण सदियों पहले कोयले के काले पत्थरों से किया गया था। पुणे में बहुत सारे किले, प्राचीन मंदिर और ऐतिहासिक स्मारक है, कुछ के बारे में आपने अभी तक सुना भी नहीं है। ऐसा ही एक मंदिर है सोमेश्वरवाड़ी मंदिर। पाषाण में स्थित काले पत्थरों से बना यह मंदिर अपनी भव्य सुंदरता से दर्शनियों का मन मोह लेता है। राम नदी के तट पर यह भव्य काला मंदिर 900 साल पहले बनाया गया था। मंदिर से जुड़ी एक दिलचस्प लोक कथा भी है। कहानी में एक गाय को दिखाया गया है जो एक छोटे से सांप के छेद पर दूध छिड़क रही थी। इस घटना को एक गाय के चरवाहे ने देखा और उसने सांप के छेद को खोदना शुरू कर दिया और केवल एक शिवलिंग की खोज की, और इस प्रकार मंदिर सदियों पहले यहां स्थापित किया गया। सोमेश्वरवाड़ी मंदिर शहर के इतिहास में एक महत्वपूर्ण उल्लेख पाता है। इस स्थान को एक जागृत कहा जाता है कि जहां राजमाता जीजा माता 1640 से 1650 में प्रार्थना करने आती थी। छत्रपति शिवाजी महाराज जी भी अक्सर इस स्थान पर आते थे और अपनी मां के साथ यहां आया करते थे। सोमेश्वरवाड़ी मंदिर 3.5 एकड़ भूमि में फैला यह मंदिर है। मंदिर के नज़दीक ही 12 ज्योतिर्लिंग मंदिरों के आप दर्शन ले सकते हैं, तो आप भी हमारे साथ दर्शन लीजिए। वीडियो ज़रूर पूरा देखिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं कमेंट सेक्शन में। वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन ऑन कीजिए ताकि आपको सारे नए वीडियो के अपडेट्स मिल जाए। वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए आपके फैमिली और दोस्तों के साथ। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।